दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं तीन कमाल के पैरेलल कंट्रोलर, जिसमें से दो हैं आपके मैनुअल पैरेलल कंट्रोलर, मतलब हर काम जो है आप इनके अंदर मैनुअली करोगे। वहीं पर एक है इसके अंदर रिमोट पैरेलल कंट्रोलर, जिसके अंदर आप सारे काम रिमोट के जरिए करोगे। तो गाइज तीनों ही कंट्रोलर की सेपरेट वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको या तो यहां पे या फिर यहां पे आई बटन में इनका लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। बाकी अभी आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तीनों ही कंट्रोलर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। ये कोई थोरनम वाले कंट्रोलर नहीं है, ये सीधे सीधे आपको अप और डाउन, जैसा कि आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, ऐसे वाले इफेक्ट देने वाले हैं। और इन तीनों के अंदर ही भाई आपको बहुत ही लाजवाब इफेक्ट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस वाले कंट्रोलर के बारे में। तो बेसिकली गाइस ये है मैनुअल पैरेलल कंट्रोलर, और ये वाला जो कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है स्पीड का बटन। अब ये स्पीड जो है किस चीज़ ये कंट्रोल करता है, बेसिकली इसके ऊपर जो इफेक्ट चलते हैं ये उनकी स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप यहां पर एक वीडियो देख रहे होंगे, इस साइड में देखो, यहां पर एक वीडियो आपको चल रहा है जिसके अंदर की इसका स्पीड जो है ना वो कंट्रोल होते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब हर एक इफेक्ट की जो स्पीड है वो किस तरीके से कंट्रोल करते हो आप इस वाले बटन से। उसी के साथ यहां पर जो ये बटन है, यहां पर देखो कलर सिलेक्शन ये लिखा गया है इसके ऊपर, तो यहां से जो है आप कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर इफेक्ट चलवा सकते हो, तो ये भी अपने आप में एक कमाल की बात है। बाकी यहां पर ये वाला जो बटन है यानी कि स्विच है बेसिकली, अब ये क्या इंडिकेट करता है, मान लीजिए आपकी एक झालर है उसके अंदर बेसिकली कितनी एलईडी होती है 50। अब आप यदि एक झालर के अंदर 100 एलईडी यूज कर रहे हो तो भाई इसको ऊपर कर दीजिएगा, और अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो 150 के लिए तो आपकी एक झालर में 150 एलईडी होनी चाहिए, और उसी तरीके की ये 40 झालर चला देता है, यानी कि 150 एलईडी वाली पूरी 40 झालर ये चला देता है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख लो कितनी ज्यादा कमाल की है, मतलब मान लीजिए नॉर्मली आपने इसको कहीं पे लगाया हुआ है और अचानक से, ऐसा ही होता है डेकोरेशन के काम में भाई, ऐसा ही होता है कि मान लीजिए कोई इसके ऊपर से गुजर गया तो ये क्या होगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो फुल्ली मेटालिक है, ये देख लो कितनी ज़्यादा हैवी बॉडी है। तो ये कंट्रोलर इसी बात की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप कोई सा भी कंट्रोलर इनमें से बाय करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो फटाफट से अपना व्हाट्सएप ऑन करो, नंबर सेव करो और ऑर्डर करो। बाकी सेकेंड में बात करूँगा मैं इस वाले कंट्रोलर की। तो ये है बेसिकली अपना मैनुअल पैरेलल कंट्रोलर, लेकिन ये जो है बेसिकली इसके अंदर जो कार्ड यूज़ हुआ है ना उसको बाहर निकाल के दिखा दिया गया है, मतलब इसके ऊपर कोई भी कवर वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। और ये जो स्विच वगैरह देखो कलर सिलेक्शन के हैं, स्पीड के हैं, ये सब इसके अंदर ही यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये एक नॉर्मल पीसीबी वाली प्लेट है और जो कि इसके जैसा सही काम करती है, और इसके अंदर भी आपको काफ़ी कूल इफेक्ट मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इफेक्ट की जो स्पीड है ना वो चेंज आउट कर सकते हो। अगर आपकी झालर के अंदर 100 एलईडी हैं, 50 एलईडी हैं या फिर 150 हैं तो आप तीनों को ऊपर कर दीजिए, अदरवाइज 50 पे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कलर्स चेंज के लिए यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देख लो। तो बेसिकली ये भी एकदम बढ़िया कंट्रोलर है, तो चलिए इसके बारे में भी बात हो गई है। तो गाइस पीछे आप देख रहे हो ना, भरपूर भंडार है हमारे पास पिक्सल एलईडीज का। ये है बेसिकली 3 इंच वाली कॉपर जेल वायर पिक्सल एलईडी। तो गाइज अगर आपको कंट्रोलर के साथ में पिक्सल एलईडी भी चाहिए तो हमारे पास पिक्सल एलईडी भी अवेलेबल है, कॉपर जेल वायर में भी, पीवीसी वायर में भी, 5 इंच में, 7 इंच में और आपका 3 इंच में, तीनों ही साइज हमारे पास अवेलेबल है। तो देख सकते हो जेल वायर की क्वालिटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कूल है। तो इसको रखते हैं बेसिकली यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल अपना पीवीसी वायर। तो देखो पीवीसी में भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, देख रहे हो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट आपको पिक्सल देखने को मिल जाती है। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पिक्सल है, और इसका तो स्टॉक है ना हमारे पास लिमिटेड है, कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं है, तो फटाफट से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए इसको रखते हैं वापस से यहाँ पे। एंड में हम बात करेंगे रिमोट पैरेलल कंट्रोलर के बारे में। तो देखो रिमोट वाला जो पैरेलल कंट्रोलर ना, इसके अंदर भी आपको काफी कूल इफेक्ट्स मिलते हैं। इसके सेपरेट वीडियो भी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड की हुई है, यहाँ पर देखो आपको एक आई बटन में लिंक आया होगा, वहां पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो को देख पाओगे। तो यहाँ पे इसके अंदर ना आप सारे काम रिमोट से करते हो, मान लीजिए आपको कोई
एक कलर सेलेक्ट करना है तो यहां से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके ऊपर यानी कि जो आपने इस कलर सेलेक्ट किया है उसके ऊपर इफेक्ट चलवाने वो सब आप यहां से कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके ऑटोमेटिक सारे इफेक्ट चल रहे हैं, उनकी स्पीड आप बढ़ाना चाहते हो, यहां से आप कर पाओगे। ठीक है, ऑन और ऑफ कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो इफेक्ट की, तो लगभग आप इसके अंदर सब कुछ काम कर सकते हो। और ये जो कंट्रोलर है दिवाली के मामले में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है, क्योंकि दीपावली पे लोग क्या करते हैं, अक्सर इसको यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप डेकोरेशन वाले लोग हैं और आपका रिमोट कहीं पे खो गया है तो भाई ये रिमोट, ये कंट्रोलर आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि बिना रिमोट के ये कंट्रोलर ऑपरेट नहीं होगा। इसके अंदर 8 डाटा के वायर हैं, एक के ऊपर आप 10 LED यूज़ कर सकते हो। अब गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके ऊपर 80 झालर चलाओगे, नहीं, इसके ऊपर आप 40 झालर ही चला सकते हो। तो ये भी अपने आप में कंट्रोलर काफी ज्यादा अमेजिंग है। और आप देख रहे हो ना, जो भी कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूं उनकी वीडियो साइड में चल रही है, छोटी छोटी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, तो ये कंट्रोलर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आपको तीनों में से कोई सा भी कंट्रोलर बाय करना है, पिक्सल बाय करनी है, तो आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट से जाइए, उसको अपने व्हाट्सएप में सेव कीजिए, मैसेज कीजिए, प्लीज़ यार कॉल बिल्कुल भी मत करना, ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो बाकी गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।